हटाए हटाओ। ऐसे से कर खराब कर दूंगी मैं। हटाए बाप, फूल हटा लगाया जो हटा नहीं। मैं हटा दूंगी, मेरा हाथ नहीं है। हाथ दिए भगवान ने, मैं हटा सकती हूँ। डोंट डू दिस। अभी मैं बस एक काम वाली बाइक की वीडियो बना के निपटी हूँ और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करूँगी, यूट्यूब पे कल परसों मैं पोस्ट करूँगी दूसरे चैनल पे। और बस अब मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ और 3 बजे नींद आने वाली है, 1:30 बज चुके हैं तो रेस्ट करती हूँ। अब नींद तो मुझे नहीं लग रहा कि आएगी, है ना। अब मेरे पास ना एक्चुअली बहुत सारा आटा रखा हुआ है सोयाबीन का, मैं रोटियां बना रही थी इसकी, लेकिन इन लोगों को रोटियां उसकी कड़क लग रही हैं, ऑब्वियसली ऐसा हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज सोया चाप बना लेते हैं। तो 3 कटोरी मैंने सोयाबीन का आटा लिया और 1 जो कटोरी अपना नॉर्मल जो आटा होता है ना जिसकी अपन रोटी बनाते हैं वो, इसमें थोड़ा सा नमक मिर्च मिला के इसको थोड़ा सा तेल मिला करके इसको अच्छे से गूंथ लेंगे और इसको साइड में रख देंगे। गूंथने के बाद क्या करना है कि आप इसके चाप जैसे आप वो स्टिक में रोल करके रोटी बना के रोल करके बनाते हैं ना, वैसे भी चाप बना सकती हो। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसके गोल 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 गोले बना दिए और फिर उसका चाप बनाया, उसको फुल बॉइल्ड वाटर में इसको 10 मिनट तक के लिए बॉईल करने रखा। और जब तो वो ऊपर आ जाते हैं तो समझ जाओ कि वो पक गया। और एक तरफ मैंने मैरिनेट रेडी किया था जिसमें मैंने दही डाला था और मलाई डाली थी, उसमें नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी और थोड़ी सी शक्कर डाली। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं ना मैंने लाइफ में कभी चाप नहीं बनाया और मुझे ये जो दही और मलाई का जो कॉम्बिनेशन है ना, पहली बात तो ये हेल्थ हजार्ड है जो मैं कभी करती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी टेस्ट के लिए करना पड़ जाता है तो इसलिए मेरे को करना पड़ा। और दूसरा ये कि फिर आपने जब कढ़ाई में आपने प्याज और लहसुन डाले उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च डालो, फिर ये मैरिनेट डाल दो और जब ये हो जाएगा तब सबको मिक्स कर दो, बन गया सोया चाप। ठीक है, अब इस वाले चाप में इतना मज़ा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास तो स्टिक थी नहीं, तो मैंने वो रोल बना के नहीं बनाया। आप रोल बना के भी बना सकते हो। इसको थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए इसमें ना मैंने ये अपना चने का आटा होता है ना बेसन, वो डाल दिया और बन गया। तो मसाले में तो कोई कमी नहीं थी, मसाला तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने गोल बनाया ना तो ये गोल गोल क्या है, ये थोड़े मोटे हैं, मतलब ऐसा टेस्ट ही खराब नहीं है, टेस्ट अच्छा है लेकिन मोटे हैं। तो किसी किसी को ये मोटा टेस्ट पसंद नहीं आ सकता, तो आप वो चाप वाला टेस्ट चाहिए तो डेफिनेटली वो रोल बना के स्टिक में लपेट करके और फिर उसको बॉइल करो, बहुत इजीली है। हेल्दी रेसिपी हो सकती थी अगर ये मैं इसमें मलाई और ये दही को एक साथ मिक्स नहीं करती, ये थोड़ा खराब होता है काम। मैं इंग्लिश मूवी देखती हूँ लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो मेरा कंफर्ट नहीं बैठता उधर। हाँ पता नहीं कौन सी उनकी लैंग्वेज में बात कर जाते हैं, इंग्लिश में नहीं बोलते, इंग्लिश का भी कुछ अलग ही बोल रहे होते हैं। अच्छा है चीला टूटा फूटा बना हो लेकिन मौसम तो बहुत बढ़िया हो गया आज, तो खाने में मज़ा आएगा यहाँ बैठ के। और मैं नीचे आ गई, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। मैं नीचे उतरने में बहुत आलस करती हूँ यार, लेकिन मैं मीका को लेने आई हूँ और बैठ गई मैं वहाँ हमारे वॉचमैन भैया की कुर्सी पे और मीका का वेट करने लगी। उतनी देर में मीका भी आ गई और वो आ रही है मीका, ठीक है। तो इस टाइम मीका आ जाती है, उसके आने के बाद फिर से मेरी रसोई चालू हो जाती है। मतलब सुबह तो मेरी रसोई जल्दी बंद हो जाती है, उसके बाद अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा बनाना होता है तो मेरा बनता है, बट देन फिर मीका के आने के बाद तो वापस किचन चालू। तो आज बन रहा है घी, है ना, 10 दिन की मलाई का घी बन रहा है। ये पसीना पसीना हो चुकी हूँ क्योंकि पहले तो मक्खन निकाला फिर घी बना रही हूँ। ओके, जो रील्स में देखते हो ना कि मक्खन बन रहा है, माँ मक्खन बना, मक्खन का घी बना रही है, बच्चे भाग रहे हैं, उन्हीं बच्चों के लिए है। तुम बच्चों की हेल्थ अच्छी करने के लिए बनाती है माँ घी घर का, नहीं तो बाहर का खाओ फिर, हैं एडल्ट्रेटेड घी। माँ की मेहनत मत देखो तुम, हाँ घी की स्मेल देखो तुम, मुझे तो अच्छी लगती है, मुझे तो खराब नहीं लगती। चल मेरा बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ रही है वो तो बैठी है। अब मैं जाऊँगी सब्जी लेने। ओके, आई होप जब मैं बाहर जाऊँ तो बारिश ना आए, वैसे भी आ नहीं रही है, बस पर ये मैंने चढ़ा दिया तो ये बन जाए फिर निकलती हूँ। गया उसको स्विच ऑफ कर दिया, अब ये अपने आप होता रहेगा बच्चे खुशे में, है ना। अब मैं जाऊँ भैया सब्जी लेके आऊँ, नहीं तो फिर बारिश होने लग जाए। और मैं सब्जी लेने गई थी, जैसे ही बाहर निकली छाता लेके गई थी, लकीली भीगी नहीं पर बारिश शुरू हो गई थी, तो सब्जी लेके आ गई और अब बस डिनर की तैयारी होगी और फिर बस यही सब हुआ। पूरा दिन भर रसोई 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 में निकल जाता है, बट एनीवेज इट्स ओके बिकॉज मुझे ना एक चीज़ अपने आप पर बहुत प्राउड फील होता है कभी कभी, दैट आई टेक केयर ऑफ हेल्थ विद फूड। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा, जैसे मैंने अभी आज चाप बनाया तो मुझे, मेरे को आई वॉज फीलिंग गिल्टी
कि मैंने वो जो चाप का जो मसाला बनाया है ना, उसमें मैंने दही और मलाई मिक्स कर दिया। और ये गिल्ट पता है हर उस इंसान के सिर में चढ़ती है जो हेल्दी खाना बनाता है, तो मेरे दिमाग में चढ़ जाती है। अब जैसे मीका ना, मीका को फ्राइड राइस बड़े पसंद आने लग गए हैं, आते थे पहले से भी, मैं नहीं बनाती थी जानबूझ के, कि यार अब वो बनाओ तो उसको रोज चाहिए, मतलब हर दूसरे दिन बनाओ। एंड मेरे को वो जो सोया चटनी होती है ना, कौन सी चटनी थी, शेजवान चटनी, एंड वो सारे मसाले जो उसमें डलते हैं, सब्जियों से परहेज नहीं है बट मसालों से परहेज है। प्रॉब्लम ये है कि उनमें कुछ ऐसे मसाले होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को अटैक करते हैं इस टाइप की चटनियों में, तो इसलिए मैं मेरे को थोड़ा सा मन में अंदर रहता है कि मैं इतना मतलब टेस्ट के चक्कर में मेरी हेल्थ ना खराब कर दूँ, इसलिए मैं हेल्दी हेल्दी के ऑप्शन में ज़्यादा घुसती हूँ। फिर वो गुस्सा हो जाती है कि आप टेस्ट ही नहीं बनाते, तो कभी कभी फिर ये सब कचरा बनाना पड़ता है, क्या करें। मुझे कभी कभी पता क्या लगता है कि पहले का ज़माना ज़्यादा अच्छा था, जितने कम ऑप्शंस थे उतने ज़्यादा लोग हेल्दी थे। आजकल जितने ज़्यादा ऑप्शंस है खाने के बारे में लेकर के, उतने लोग अनहेल्दी हो रखे हैं। हो ही जाती है ना यार, थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम भी हो भले ही, पर हो जाती है। जैसे स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, हेयर प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लिवर स्वेलिंग आ जाती है, लिवर फाइब्रोसिस और पता नहीं क्या 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 हो जाता है। तो ये जितने ऑप्शंस होते हैं ना, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है चीज़ों में। अब मीका का भी एक्ने ट्रीटमेंट चल रहा है, एंड डॉक्टर ने मेरे को साफ मना किया है कि इसको ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा मसाले वाला खाना ये सब अभी नहीं देना। अब अभी देना है मतलब कब देना है फिर, ये भी एक प्रॉब्लम है कि बच्चे को तो खाना ही पड़ता है ना। बच्चे, अरे बच्चे मानते नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को तो कुछ तो देना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि माएँ बिल्कुल ही बंद कर दें। और वो थोड़ा भी दो, जिस दिन दे दो उसके 2 दिन बाद ही उसके पिंपल्स एग्रवेट हो जाते हैं, एंड देन आई फील बैड कि अरे यार। अब ठीक है, मैं बैलेंस आउट तो करती हूँ बहुत सारी चीज़ें, बट एनी वेज चलो ओके। तो चलो खाने से थोड़ा सा हटते हैं और आ जाते हैं अपने ब्लॉग के बारे में बात कर लेते हैं कि आई होप आई हाँ काउंटेड काउंट किए मैंने, 940 वीडियोज़ हो गए हैं, एंड वॉट अ लक, वॉट अ लक, एक वीडियो वायरल नहीं हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान की एक वीडियो भी ऐसी अच्छी ना बनी हो कि वायरल ही ना हो? ऐसा नहीं होता एक्चुअली, ये है ना, ये तरीका है गलत है कि है ना, मतलब अभी क्या बोलूँ मैं, मुझे आई एम सो कन्फ्यूज, परप्लेक्स्ड इन माई माइंड कि मतलब वॉट शुड आई डू, शुड आई डू वॉट अदर पीपल्स आर डूइंग? आई डोंट थिंक सो आई वुड बी केपेबल ऑफ डूइंग दोज थिंग्स। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, आई एम वेरी सिंपल, आई एम लिविंग अ वेरी नॉर्मल कैजुअल लाइफ। और जहाँ हम जाते हैं हम वीडियोज़ बनाते हैं, जहाँ हम एक्स्ट्रा लाइक मतलब एक्स्ट्रा अंदर क्या होता है कि सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए आदर यू हैव टू बी हाफ न्यूड, और यू हैव टू बी क्रिंजी, और यू हैव टू बी अ डिफरेंट पर्सन, या फिर एकदम दिमाग वाला। वो एकदम दिमाग नहीं है मेरे में इतना, आई एम नॉट वेरी इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल पर्सन। इंटेलिजेंट तो मैं हूँ, इंटेलेक्चुअल मतलब वो अलग ही टाइप के इंटेलेक्चुअल की बात कर रही हूँ, तो फिर वो भी नहीं है। अब मतलब मिड उसमें है, तो मिड वाले क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाले करते रहते हैं, तो वो हम नहीं कर सकते, सॉरी, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस।